चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ देन द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में चेंज कितना होगा? तो देखो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदलती नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं है तो मोमेंटम में चेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नहीं, तो जो भी चेंज होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये यू है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये यू साइन थीटा होगा, यहाँ वेलोसिटी अगर वी है तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ होगा नहीं, करेक्ट है। तो यहाँ का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम हुआ एम यू साइन थीटा जे कैप, अगर वाई डायरेक्शन ऊपर है और पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जे कैप होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन का कितना होगा? जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना लिखते हैं हम? चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, कितना होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखें तो चेंज मोमेंटम के मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम यू साइन थीटा लिखेंगे, एम की वैल्यू 100 ग्राम है तो 0.1 केजी हो गया इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, एसआई में है, ठीक है, एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कर दो, 1/2 0.1 इंटू 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज है ही नहीं, जीरो है, जो भी है वो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम की चेंज की हो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो।